चार्जिंग वॉज ऑन होल्ड ड्यू टू आईफोन टेम्परेचर हाउ टू फिक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इन दिनों काफ़ी यूजर्स को एक प्रॉब्लम या फिर इशू फेस करने को मिल रहा है अपने आईफोन्स की बैटरी में जाकर, चार्जिंग वॉज ऑन होल्ड ड्यू टू आईफोन टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है एंड कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और ये क्या मैसेज आ रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है या फिर जस्ट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे कॉमेंट्स आए, दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आप ये जानो कि अकॉर्डिंग टू एप्पल आपके आईफोन्स का टेम्परेचर जो है 60 सेल्सियस से लेकर 22 सेल्सियस होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है, लाइक 35 सेल्सियस, तो आईफोन जो है आपका रिस्क पे रहता है, यानी कि बैटरी आपके रिस्क पे आ जाती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक हो जाती है। आप जाके खुद रीड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, जो बेसिकली जब सर्दियों के दिन होते हैं तो आपका आईफोन इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड टेम्परेचर भी मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि वहाँ पे 22 सेल्सियस के बीच ही रहता होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता होगा इवन चार्जिंग के दौरान भी। बट इन दोनों गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो अब आपका आईफोन नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा हीट होगा, और अगर आप लाइक चार्जिंग पे लगाते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, तो आपका ज़्यादा ही आईफोन हीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया है, लाइक इफ़ टेम्परेचर हायर देन 35 सेल्सियस तो विच कैन परमानेंटली रिड्यूस बैटरी लाइफ स्पैन। तो लाइफ जो है इसकी बैटरी की वो काफ़ी डिक्रीज होना शुरू होती है, एंड बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है और उसका कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस ऑप्शन का, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इस तरीके से अपनी आईफोन की बैटरी पे, और यहाँ पे बैटरी हेल्थ चेकआउट करो। मेरा तो चलो नया ही आईफोन है, बिल्कुल एक तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया 100 बैटरी हेल्थ है, बट जब हीट होना शुरू होगा गर्मियों में सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होती है, बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है। तो आपको क्या करना है, मैसेज इसलिए आ रहा है बेसिकली, ये समझो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है जो कि आपको बताया जा रहा है, चार्जिंग वॉज ऑन होल्ड ड्यू टू आईफोन टेम्परेचर। जब आपने आईफोन को अपने चार्जिंग पे सेट करा था, तो जो चार्जिंग थी आपने इसको 100% चार्ज करने के लिए रखा होगा, बट ये 80 या फिर 85 या फिर 96 पे ही ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपका आईफोन जो है होल्ड हो गया था चार्जिंग पर। और क्यों, क्योंकि टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो गया था। और ये कैसे काम कर रही है मैं बताता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि एप्पल ने iOS 16 या फिर मेरे हिसाब से 17 में लाया था ऑप्शन। आप जाओ इसमें, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग मिलता है, ये इनेबल रखो। अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ ना, तो ये देखो कई लोगों के हो सकता है ये आपको ना 96 नहीं, हो सकता है कि 86 या फिर 80% भी शो करेगा लास्ट चार्ज। क्यों, ये जो है एप्पल का एक फीचर है जो कि बहुत ही सही है। अगर आपका आईफोन ओवर हीट होगा तो ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग वो स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। तो अगर आपने इसको टर्न ऑफ रखा है तो इसको ऑन कर लो, और बेसिकली जिन लोगों ने इसको ऑन किया हुआ ना, उन्हीं को ये मैसेज आ रहा है। तो अब ये अगर आप मेरे से कहते हो कि इसको हटाना है मेरे को, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस, ये मैसेज को रिमूव करना चाहते हो, आप इसको ऑफ कर दो, कोई मैसेज नहीं आएगा, बट इसको ऑन रखो, क्योंकि आपके फ़ायदे की है। आईफोन आपको खुद बता रहा है कि मैं हाई हो गया हूँ टेम्परेचर में, तो मेरे को यहाँ पे स्टॉप कर दो चार्जिंग पे, ताकि जो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा डैमेज ना हो। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैसेज आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को आप इनेबल रखें, यही एक मैसेज का एक जरिया है, यही आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ टेम्परेचर हाई होगा तो बैटरी पॉज होगी चार्ज। सो गाइस, मैंने आपको बता ही दिया है इसका मतलब। अरे वैसे भी पहले ना यहाँ पे एक मैसेज आया था, अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब डायरेक्टली आपको यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स इवन ईमेल ड्रॉप कर दो यार, मैं आपको सबको रिप्लाई कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है स्क्रीनशॉट के साथ अटैच करो, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।